आज की सीरीज है पैराडाइज, जिसको आईएमडीबी पे 5.6 की रेटिंग मिली है। तो चलिए सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आवी को दिखाया जाता है और उसके दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनका नाम क्विंको और अल्वारोल होता है। आवी की सिस्टर मिसिंग होती है, जिसके कारण आवी अपनी सिस्टर के मिसिंग होने के पोस्टर लगाकर स्कूल चले जाता है। स्कूल पहुंच के आवी देखता है कि उसकी बहन के बारे में किसी ने कुछ अनाप शनाप लिखा होता है, जिससे आवी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये किसने किया। तब उसका दोस्त अल्वारोल उसे बता देता है कि ये किसने किया होता है, जिससे आवी उस लड़के से लड़ने लगता है। लड़के का नाम जेटा होता है। जेटा और आवी लड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल दोनों को लड़ने से रोकते हैं। आवी इमोशनल होकर स्कूल से भाग जाता है। प्रिंसिपल जेटा की इन हरकत की वजह से उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और उसकी शिकायत करते हैं, जिस पे जेटा के फादर उससे पीटते हैं। हम आवी के फादर को देखते हैं, जिनका नाम मारियो होता है। मारियो पुलिस स्टेशन गए होते हैं। मारियो अपनी बेटी के 3 महीने पहले मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाई थी, पर इंस्पेक्टर रैमोन को अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा होता, जिसके कारण मारियो वहाँ से गुस्सा होकर घर चले जाता है। पुलिस स्टेशन में एक नया इंस्पेक्टर आया होता है, उसका नाम जो होता है। जो अभी इस केस को हैंडल करेगा। हमें यहाँ पता चलता है कि 3 लड़की और खो गई हैं। हमें एक लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसका नाम पोला कोस्टा होता है। मारियो घर पहुंच चुका होता है और वो ट्रांसमीटर के जरिए अपनी बेटी ढूंढ रहा होता है। मारियो को ट्रांसमीटर के जरिए एक रिप्लाई आता है, जिसपे वो पर्सन कहता है कि मेरा बेटा भी खो गया है, आप मुझसे मिलने मैनचेस्टर आ जाइए। मारियो मैनचेस्टर चले जाता है। अननोन पर्सन का नाम गिल होता है। गिल बताता है कि मेरा बेटा भी 3 साल पहले मिसिंग हो गया था और मेरी वाइफ अभी कुछ दिन पहले मारी गई है, और बोलता है कि पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है और मेरे घर में माइक्रोफोन भी लगा दिए, जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें पोला कोस्टा को दिखाया जाता है, जो आवी से मिलने जा रही होती है। आज आवी का जन्मदिन होता है। हमें पता चलता है कि पोला कोस्टा का ट्रांसफर हो गया है। आवी घर जा ही रहा होता है, तभी आवी देखता है कि बिया और उसके डैड में बहस हो रही है। बिया अपने डैड से गुस्सा होकर वहाँ से आवी के पास आ ही रही होती, तभी वो गिर जाती है और शक्कर की डिमांड करती है। आवी एक स्टोर से किसी तरह शक्कर लेके आता है और उसे देता है। हमें आवी बिया की पास से पता चलता है कि बिया को डायबिटीज है और उसके डैड उसे बाहर नहीं निकलने देते, कहीं वो भी गुम ना हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने डैड से गुस्सा हो जाती है। हमें पता चलता है कि आवी की सिस्टर एक क्लब में मिसिंग हुई थी। क्लब का नाम पैराडाइज होता है। बिया बताती है कि मैंने पार्टी के दिन पैराडाइज के पीछे कुछ देखा था, मुझे नहीं पता पर वो कुछ चमक रहा था, और ये सब उसके डैड ने पुलिस को बताने से मना किया होता है, क्योंकि उसके डैड नहीं चाहते थे कि बिया इस झमेले में पड़े। हम मारियो को देखते हैं। गिल मारियो को कुछ दिखाने के लिए कमरे में जाता है, पर वो बाहर नहीं आता, जिसके कारण मारियो कमरे के अंदर जाता है तो देखता है जो बच्चे मिसिंग हुए थे उनके पोस्टर दीवार पे लगे हुए थे, जिससे मारियो काफी शॉक हो जाता है। मारियो को लगता है कि ये सब गिल ने किया है। तभी पीछे से गिल आ जाता है और कहता है कि तुम भी पुलिस के साथ मिले हुए हो। मारियो मना करता है कि मैं पुलिस के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। तभी गिल के पीछे जो आ जाता है। जो मारियो और गिल को पुलिस स्टेशन ले जाता है और गिल के बारे में मारियो से बात करता है। बातचीत होने के बाद मारियो घर चले जाता है। हम आवी को देखते हैं, जो बिया की बातें सुन के पैराडाइज जाने की सोचता है। फिर आवी क्विंको के घर जाता है और कहता है कि हमें पैराडाइज जाना चाहिए, जिस पे क्विंको मना कर देता है और कहता है कि हम पैराडाइज नहीं जा सकते, वहाँ जाना मना है। आवी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम कल वहाँ जाएंगे। आवी जा ही रहा होता है, तभी क्विंको की मदर आवी को बर्थडे गिफ्ट में एक केक देती है। फिर आवी अपने घर आ जाता है। आवी अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें उसकी सिस्टर भी होती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि आवी बहुत उदास होता है, रोने लगता है। नेक्स्ट डे हम आवी और अल्वारो को देखते हैं, जो कहीं जा रहे होते हैं। आवी की नजर ओलिविया और बिया पे पड़ती है, जो मुसीबत में होती है। आवी उनकी मदद करता है, जिस पे बिया उसे एक लॉकेट देती है, जो कि आवी की सिस्टर का होता है। फिर सब पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जो को बताते हैं, पर जो उनकी कोई हेल्प नहीं करता। फिर आवी और उसके दोस्त पैराडाइज के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बुक मिलती है। उसमें लिखा होता है कि 19th सेंचुरी में पैराडाइज के मालिक एक टेक्सटाइल टाइकून थे। रेडियो में न्यूज चल रही होती है कि एल्मेंजोरा में कोई खोई हुई लड़कियां मिल गई हैं। एल्मेंजोरा वही जगह होती है जहां आवी रहता है। आवी अपने घर आ जाता है। कुछ समय बाद बिया आवी से मिलने उसके घर आ जाती है, जिसपे आवी बिया को कुछ दिखाने के लिए गैराज में ले जाता है, जहाँ वो कुछ सामान ढूंढ रहा होता है। तभी आवी से गलती से सैंड्रा की बाइसाइकिल टूट जाती है। वहाँ पे मारियो आ जाता है और मारियो आवी को बहुत डांटता है, जिससे आवी उदास होके वहाँ से बिया के साथ चले जाता है। बिया और आवी जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में बिया के डैड मिल जाते हैं और वो उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर आवी अकेले पैराडाइज चले जाता है। आवी अंदर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ क्विंको और अल्वारो आ जाते हैं। हम आवी और उसके दोस्त के पीछे एक परछाई को देखते हैं, पर आवी उस वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर तीनों अंदर चले जाते हैं। पैराडाइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से तीनों अलग अलग होके कुछ क्लू ढूंढने लगते हैं,
इनको लाइट ऑन कर देता है और म्यूजिक चला देता है। अलवारो डांस करने लगता है, तभी पीछे से जेटा आ जाता है और अलवारो को मारता है। जेटा वही होता है जिसकी परछाई हमें दिखाई देती है, क्योंकि उसने जेटा के बारे में आवी को बता दिया होता है। वहाँ पे आवी आके जेटा को लड़ने से रोकता है और बोलता है कि मुझे एक संदूक मिला है। वो सब रूम में जाते हैं और एक संदूक होता है, संदूक में से आवाज आ रही होती है। सभी मिलके संदूक को खोलते हैं, वो एक केव से कनेक्ट होता है। आवी, अलवारो और जेटा उस केव में चले जाते हैं। आगे जाने पर आवी को केव के अंदर पत्थरों पर ब्लड की कुछ बूंदे मिलती है और आवी को लगता है कि ये सैंड्रा की होंगी। आवी डर जाता है। आवी किसी तरह आगे जाता है तो उसे एक डोर मिलता है, पर वो खुलता नहीं है। उनको देखता है कि पैराडाइज में आग लग गई है। उनको सबको ऊपर आने के लिए बोलता है, सब ऊपर आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि आग बहुत तेज लग गई है, तो वो सब टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है, सुबह देखते हैं कि अलवारो वहाँ नहीं होता। उन्हें लगता है कि अलवारो वहाँ से भाग गया है। फिर तीनों टॉयलेट से बाहर निकलते हैं तो बाहर से किसी के बोलने की आवाज आ रही होती है, तब वो बाहर आते हैं। तभी उन तीनों पर बर्फ गिरने लगती है। हम मारियो को देखते हैं जो कि आवी के लिए केक बना रहा होता है, क्योंकि मारियो ने आवी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया होता है। मारियो पर कॉल आती है, मारियो कॉल पे बात करने के दौरान काफी डर जाता है। फिर हम एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को देखते हैं जो पैराडाइज पर आई होती है। वहाँ पे बी और मारियो आ जाते हैं। आवी मारियो उसे गले लगने के लिए उसके पास जाता है, पर वो आर पार हो जाता है, जिससे आवी और उसके दोस्त काफी शॉक हो जाते हैं। उनको कहता है कि हम मर गए क्या। फिर हमें जो को दिखाया जाता है जो कि गिल के घर जाता है। पीछे से गिल आ जाता है और जो के हेड पे हेडशॉट दे देता है, पर जो को कुछ नहीं होता। जो गिल को मार देता है। हम देखते हैं कि जो के हाथ में एक तरह का टैटू बना होता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू।